अवैध निर्माण के खिलाफ इंदौर नगर निगम की कार्यवाही जारी है। अब इसी कड़ी में ब्रह्मपुर स्थित कॉलोनी में निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम उपायुक्त को प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण का धराशाही किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल शहर में स्थित अवैध हॉस्टलों और निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई निगम द्वारा जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के जोन 13 के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुरी में बिल्डर श्याम खत्री की इमारत 36/3 को तोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं कुछ लोगों ने कोर्ट का हवाला देते हुए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन निगम ने ताबड़तोड़ मशीनों की सहायता से रिमूवल की कार्रवाई शुरू की और पूरे अवैध भवन को कुछ समय में ही जमींदोज कर दिया। वहीं निगमायुक्त आशीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही पूर्व में कई अवैध निर्माण हुए हैं, लेकिन वर्तमान में नगर निगम किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी और आगे भी अवैध निर्माणों पर जानकारी और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी एक होटल के ऊपर कार्रवाई है और टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एक बार मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ में नगर निगम की टीम जाएगी और उसको रिमूवल की कार्रवाई करेगी। देखिए, उनको भी नोटिस दिया गया है और जब उनकी नोटिस की मियाद पूरी हो जाएगी उसके बाद रिमूवल का नोटिस देके उनको भी तोड़ा जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो पहले निर्माण हो गए हैं हम लोग भले ही उनको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन जो वर्तमान में निर्माण हो रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, जो बिना अनुमति के हो रही हैं, रहवासी संघ जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा है, इस मामले में कोई भी सहनशीलता हमारे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाएगी। जिस भी प्रकार से इस प्रकार की शिकायतें रिपोर्टिंग होती है हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान को कार्रवाई रुकवाने के लिए प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन निगम ने अपना एक्शन जारी रखा। देखिए, आज जो कार्रवाई है ये पिछले दिनों जो अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो कार्रवाई हो रही थी उसी की श्रृंखला में आज हम लोग अगली कार्रवाई कर रहे हैं। और ये श्याम खत्री 36/3 ब्रह्मपुरी जोन 13 के अंदर आता है। यहाँ पे G+3 और यही बिल्डिंग आगे से तो G+3 दिख रही है, पीछे छुपा करके इन्होंने इसके ऊपर चौथी मंजिल भी खड़ी कर ली है। इस तरह से इस बिल्डिंग को आज निर्माण को हटाना है। जो कल दो बिल्डिंगें हम लोगों ने जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया था, उसके साथ ही ये 10 दिन पहले इसको भी लगाया था। परंतु आप देखेंगे कि इतनी ऊंचाई है इस बिल्डिंग की, साथ में आसपास की जो इमारतों से लगी हुई इमारत है, सामने भी 4 मंजिल की बिल्डिंग है, इसके पास में 2-3 हाउस बने हुए हैं, साथ में ये एक मार्केट है, बहुत चलता हुआ रोड है। लिहाजा हम लोगों ने उस दिन इसको ना करके अगली तारीख को जो आज लगी है इसको हम लोगों ने गिराने का वो निर्णय लिया था। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों को पास की इमारतों और गैस पाइपलाइन ने काफ़ी दिक्कत दी, जिसके कारण निगम के अमले को इस पूरी कार्रवाई को सावधानी और तकनीकी रूप से करना पड़ा। वहीं निगम के अधिकारियों ने 2 टूक कह दिया कि अवैध निर्माण पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं निगम के ताबड़तोड़ एक्शन से अवैध निर्माण करने वालों में खौफ साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।